बीसलपुर योजना मूलतः अजमेर के लिए बनी, लेकिन अजमेर की कटौती करके और जयपुर को पानी देने लग गए। हमारा निवेदन यह है कि अजमेर की पूर्ति हो जाए उसके बाद जयपुर को दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जयपुर में तो दोनों टाइम सप्लाई और अजमेर में 48 और 72 घंटे से सप्लाई, और वो भी मात्र 30 और 40 मिनट के लिए। अजमेर के जनता की पानी की पूर्ति ये कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अजमेर शहर की जनता पूरी तरह से इनके खिलाफ उठ खड़ी हो, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है, अब ज़्यादा अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संयुक्त समर संघर्ष समिति के साथ व्यापार महासंघ भी साथ में है। व्यापारी इतना कमज़ोर नहीं है, प्रशासन को हम बता देना चाहते हैं कि व्यापारी अपनी वाजिब मांगों के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। मोहन लाल शर्मा की ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आंदोलन, और आंदोलन के साथ साथ अजमेर बंद पूरी तरह से सफल होगा। आगामी चुनाव में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो सरकार के खिलाफ वोटिंग होगी, ओपन वोटिंग होगी। मोहनलाल शर्मा, अध्यक्ष व्यापार महासंघ अजमेर। अजमेर शहर में जिस तरह से गत 2 माह से पानी की समस्या चल रही है, एक एक आम नागरिक पानी के लिए तरस रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदर्शन, ज्ञापन और अधिकारियों से बातचीत के बावजूद भी किसी प्रकार का उसमें कोई सुधार होने का काम नहीं हो रहा है। संयुक्त समेत समन्वय समिति के साथ आज अजमेर शहर के तमाम व्यापारिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं और शहर की कॉलोनी की विकास समितियां संगठित होकर के आज इस प्रशासन को ये बताना चाहती हैं कि अजमेर का नागरिक जागरूक है, वो अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए पूरी तरह से जागरूक है। बीसलपुर के पानी की पर्याप्त सप्लाई और नियमित सप्लाई अजमेर शहर को करना सुनिश्चित करें। बीसलपुर के पानी से जयपुर ज़िले को 24 घंटे में पानी की सप्लाई हो और अजमेर ज़िले के निवासियों को 72 और 96 घंटे में पानी की सप्लाई हो, इसे अजमेर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को आज के इस धरने के माध्यम से हम प्रशासन को कह देना चाहते हैं, और साथ ही साथ यह भी बता देना चाहते हैं कि आज धरने में जो हमारा पार्टिसिपेशन है, जितने संगठनों का यहाँ योगदान है, इस बात को भी प्रशासन देखने का काम करे, समय रहते परिस्थितियों में सुधार करने का काम करे, अन्यथा आने वाले दिनों में जो शहर का माहौल बनेगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इस बात को भी आज हम कह देना चाहते हैं।